आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। तो पिछले दिनों भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसला लिया है फौज में नौजवानों को भर्ती करने का, बहुत ही निंदनीय फैसला लिया है। और जो अग्निपथ योजना है वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात है। फौज का एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हिंदुस्तान की फौज का, और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और नौजवानों का भविष्य के सवाल है। नौजवान जो 2 साल पहले भर्ती हुए थे वो अपने एडमिट कार्ड लेके बैठे थे, टेस्ट होने की बात थी, आज उनका सारा जो मेहनत है बेकार कर दी गई और उनके वो कैंसिल कर दिए गए। नए सिरे से जो इन्होंने योजना चलाई है 4 साल के लिए ठेके पर जो भर्ती होंगे, जिनका अग्नि भी नाम रखा गया है, वो 4 साल के लिए कहीं और किसी भी व्यवसाय में तो फिट हो सकता है, लेकिन फौज में देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो वहाँ पर फौज को ठेके से इसमें भर्ती करने की बात कही गई है वो बहुत ही खतरनाक बात है। और कांग्रेस पार्टी की यही मांग रही है, क्योंकि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो नौजवान 4 साल के भर्ती साल के लिए भर्ती होगा, 1 साल उसका ट्रेनिंग में चला जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसका भविष्य जो अंधकार में हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो रेगुलर फौजी होते थे, वो जो जब फौज में भर्ती होते थे अपना एक बहुत ही मान सम्मान गौरव महसूस करता था, ना केवल वो खुद करता था लेकिन गांव का गांव सोचता था कि हमारे गांव का जो है नौजवान फौज में भर्ती हुआ है, और उसके बाद उसके परिवार को सिक्योरिटी होती थी, और जो सुविधाएं होती थी मेडिकल सुविधाएं, कंटीन सुविधाएं, दूसरी सुविधाएं, बहुत ताजिंदगी जो है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी होती थी। तो आज जो है उसको सारे चीजों को नया रूप देके जो 4 साल के ठेके के ऊपर भर्ती किया जा रहा है, वो सारी जो योजना है वो बहुत एक गलत योजना है। और उसको हम राष्ट्रपति को के SDM के थ्रू कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिंतपुर्णी जो है ज्ञापन देने जा रही है, ताकि महामहिम राष्ट्रपति उसको इस स्कीम को लागू ना करें और वापस लें। धन्यवाद। थैंक यू सर।